भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ता महाकुंभ को मना जा रहा अहम। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना शुरू करने का कैबिनेट ने लिया निर्णय। चिकित्सालयों में CPS से डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मिली स्वीकृति। UPSC की तैयारी करने वाले प्रतिभावान छात्रों को भी मिलेगी सहायता। गुजारी कल्याण कोष को गठित करने को भी कैबिनेट की मिली स्वीकृति। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पुनर्विकास के लिए बॉन्ड का भी किया अनुमोदन। महिला पुलिस कर्मियों के लिए हर थाने में लेडी टॉयलेट बनाने को भी मिली मंजूरी। उनतीस सितंबर को भोपाल में होने वाली स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे संबोधित। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने कॉन्क्लेव की तैयारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जल निगम संचालक मंडल की अहम बैठक आयोजित। स्वीकृत पेयजल योजनाओं के कार्यों की सतत निगरानी करने के CM ने दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री जयभान सिंह बवैया ने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कारों का किया वितरण। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में मध्यप्रदेश से आए मणिपुर के दल को किया सम्मान। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का किया शुभारंभ। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पा सकेंगे अपनी सभी शिकायतों का निराकरण। ऑफ MP से विदेशों में मध्यप्रदेश को मिली नई पहचान। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेश के प्रवासी भारतीयों की समस्या समाधान के लिए आयोजित कॉन्फ्रेंस में कहा। राजभवन में गांधी जयंती वर्ष को लेकर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। गांधीवादी सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों और प्रबुद्धजनों ने विभिन्न विषयों पर रखे विचार। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आए कुल 16,00,000 आवेदन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी VL कांताराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। 27 सितंबर तक होगा नई मतदाता सूची का प्रकाशन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 अक्टूबर को होने वाले पढ़ें भोपाल कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में ली बैठक। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के संबंध में विशेष कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में 28 सितंबर को होगा किसान महासम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री प्रदान करेंगे कृषक समृद्धि योजना की प्रोत्साहन राशि। किसानों के खाते में एक साथ होगा प्रोत्साहन राशि का अंतर। प्रदेश के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए पुरस्कार योजना का हुआ प्रारंभ। उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को योजना के तहत किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का करेंगे वितरण। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और भारोत्तोलन मीराबाई चानू को मिलेगा राष्ट्रीय प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत और अफगानिस्तान आज दुबई में एशिया कप के Super 4 मुकाबले में होंगे आमने सामने। Super 4 के पहले दो मैच जीतकर भारत पहले ही फाइनल में कर चुका है जगह पर।